अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु एंड वी आर बैक विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और आज का टॉपिक रहेगा द मिस्टीरियस जॉर्जिया गाइडस्टोन्स। ये चार पत्थर है जिन पे कुछ इंस्क्रिप्शंस दिए हुए 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जहाँ पे मैं बेसिक अभी पॉइंट बोल देता हूँ। क्या भाई, स्टोन्स के बारे में कौन जानना चाहेंगे? हमारे को इल्यूमिनेटी होना, फ्री मेसनरी होना, कॉन्स्पिरेसी होना, ये उसी से रिलेटेड है। रिलेटेड टू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। वियर्ड स्क्रिप्चर्स उसके ऊपर लिखे हुए हैं, जिसमें से एक हिंदी भी। तो ये उसके ऊपर कमांडमेंट्स क्या क्या है, कैसा डिपॉपुलेट करना, कैसा लोगों को वाइप ऑफ करना है, मार देना है, वो पूरे कमांडमेंट्स है। ओपन ये मॉन्यूमेंट की तरह अमेरिका में रखा हुआ है डिस्प्ले पे। इसमें इल्यूमिनेटी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लिंकअप कैसा है, क्या राज है इसके पीछे, और सिमिलर इसका एजेंडा है नोन एज एजेंडा 21। ये इस पे भी हमने लेटर ऑन टॉपिक बनाएंगे जो डीपॉपुलेट करने के बारे में बताता इनका प्लान है। और जैसे आपको मालूम है एवेंजर्स एंड गेम में क्या थी स्टोरी, टॉपिक क्या था, डीपॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये क्यों इस तरह से फिल्म्स बनाए जा रहे हैं, आपको ये वीडियो देखने के बाद अंदाजा शुरू हो जाता। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, नीचे सब्सक्राइब बटन हिट करो और बेल आइकन भी हिट करो ताकि आप नोटिफाइड हो जाएं हम वीडियो पोस्ट करते की। और हमारा और एक ऑफिशियल चैनल है द बैगनवाइंस ऑफिशियल, जिधर हम ह्यूमरस लाइट हार्टेड वीडियोस डालते। सो लेट्स स्टार्ट विद जॉर्जिया के पत्थर। तो जॉर्जिया गाइडस्टोन चार पत्थर है, बीच में एक पिलर है और एक सपोर्टिंग रूफटॉप है। 1979 में अ मैन नेम्ड एज रॉबर्ट सी क्रिश्चियन ये अप्रोच किया एल्बर्टन ग्रेनाइट कंपनी को और इसके थोड़े ग्रेनाइट के स्पेसिफिक डिजाइंस देके बोला कि ये ग्रेनाइट्स मुझे होना। और ये कुछ ऐसे ऐसे डिजाइंस नहीं थे, बहुत ही वायरिंग और वास्ट डिजाइंस थे। मतलब इतने ह्यूज ग्रेनाइट्स, इतने ह्यूज स्पेसिफिक डिजाइन थे वो के इसका मजाक बन रहा था। तो मजाक क्यों उड़ा रही थी इसकी कंपनी? मजाक इसलिए उड़ा रहे थे, क्यों बोले तो पहली बात इसका डिजाइन बहुत वियर्ड था। हाँ। और दूसरी चीज, इतना बड़ा साइज के ऐसे कंपनी को ऐसे पहले कभी डिजाइन नहीं आया था। और कुछ वियर्ड स्क्रिप्चर्स हर ग्रेनाइट पे लिखा जा रहा था। तो ये लोग क्या करे कि अच्छी बात है ठीक है हम बना के दे देते, बोल के ऐसी रैंडम अमाउंट, बोगस अमाउंट ऐसा डाल के दे दिया। हाँ चलो, क्यों बोले तो लोग घर में यहाँ वहाँ कैसा ग्रेनाइट्स लगाते हैं, इन्हें क्या कर रहा बोल के है। तो ये फौरी पे कर दिया निकाल के। As soon as ये ग्रेनाइट्स परचेस कर लिया, ये एक 5 acre का लैंड जॉर्जिया में खरीदा और वहां पर ये ग्रेनाइट्स प्लेस करना चाहा। खासियत ये है वो 5 acre की जमीन की कि वो हाईएस्ट पीक पॉइंट है एल्बर्टन का। यहाँ पर प्लेस करना, वियर्ड साइज के शेप्स और वियर्ड स्क्रिप्चर्स उसके ऊपर लिखे हुए है। वो क्या क्या है? ये स्क्रिप्चर्स थे 8 languages में लिखे हुए थे, इंग्लिश, स्पेनिश, स्वाहिली, रशियन, हिंदी, अरबिक, हिब्रू एंड चाइनीज। अब वो गाइडस्टोन्स पे 10 जो कमांडमेंट्स है, 10 जो पॉइंट्स लिखे हुए, वो क्या है आपको पढ़ के बताएंगे और एक छोटा एक्सप्लेनेशन देंगे उसका कि क्या क्या उसके बारे में दिया हुआ है थ्योरीज के हिसाब से और लॉजिकली क्या पॉइंट्स डिराइव हो सकते हैं उससे। और वो है, पहला पॉइंट है मेंटेन ह्यूमैनिटी अंडर 500 million इन परपेचुअल बैलेंस विद नेचर। टोटल पॉपुलेशन को 500 million तक रिड्यूस कर देना। और अभी फिलहाल कितना है पॉपुलेशन अपना? 7 to 8 billion। तो 7.5 billion ले लो अप्रोक्सिमेट। तो 7 billion पब्लिक को अलग गायब करके बाकी के 500 million को ये लोग मेंटेन करो बोल रहे हैं। ये डीपॉपुलेशन बोलते हैं इसको दूसरे टर्म्स में, इट्स नोन एज डीपॉपुलेशन। सेकंड पॉइंट है गाइड रिप्रोडक्शन वाइजली इंप्रूविंग फिटनेस एंड डाइवर्सिटी। चलो ये बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन को जरा मेंटेन करो, फिटनेस रखो, लेकिन रिप्रोडक्शन को मेंटेन करने का मतलब के फैमिली प्लानिंग। और आप देखेंगे न्यू वर्ल्ड और इल्यूमिनेटी के ऑर्डर्स में ये पॉइंट इनके पास हर बार बेसिक ये लोग स्ट्रेस करते हैं, डीपॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये तो बोलते फ्री मेसन है, नहीं है पता नहीं अभी इस पर नहीं पढ़े हम लोग। बिल गेट्स का जो चैरिटी वर्क है बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन कुछ नाम से, उनका मेन पॉइंट क्या है? कीपिंग पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। किस बात से अंडर कंट्रोल? पॉवर्टी बोलते हैं। पॉवर्टी कैसा? 1% बिजनेसमैन बाकी के 90% का पैसा खा जा रहे, तो पॉवर्टी की बात ही नहीं है। ये तो चोरी एक जना कर रहा, बाकी के 90% वैसी मर जा रहे, 99% जो है तो सेंसलेस बात है पॉवर्टी बोल के। पैसा चोरी हो जा रहा, डिस्ट्रीब्यूट इवनली करो, हर जना खुश रह सकता। और एक बात ये भी है कि डीपॉपुलेशन नहीं हुआ तो इनका जो मेन मकसद है, मेन एम जो है, ये उनसे आगे नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक बहुत बड़े पॉपुलेशन के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले लेते हैं, या इनका जो मेन एंटी क्राइस्ट का जो मेन एम है इनका, ये भी पूरा नहीं कर सकते ये लोग। क्यों बोले तो पब्लिक अगर उठ बैठी तो ये लोग का डाउनफॉल आ जाता ना। तो वो हम नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे, एजेंडा 21 एजेंडा है इनका। यूएन में एक रेजोल्यूशन ये लोग पास करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पे दुनिया को डीपॉपुलेट करना, एक्सट्रीम मेजर्स पॉपुलेशन कंट्रोल पे ले गए।
और इसमें फ्री मेसन्स का थियोरिस ये बोलते कि 500 मिलियन भी जो ये नंबर रख रहे हैं मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ इनके इल्यूमिनाटी सेटानिक वर्शिपर्स और थोड़े स्लेव्स हम आम पब्लिक में से. रूल पैशन फेथ ट्रेडिशन ऑल थिंग्स विद टेम्पर्ड रीजन, मतलब कि पैशन फेथ के साथ पूरा ट्रेडिशन आप ये गवर्नमेंट का एक उनका गवर्न करने का तरीका एक बता रहे कि सब मोहब्बत रहना. मोहब्बत कैसे नहीं रहेंगे, उनकी इच्छा में रहती, बाकी के हम पूरे गुलाम रहते उनके पास. यूनाइट ह्यूमैनिटी विद अ लिविंग न्यू लैंग्वेज, इसका मतलब ये है कि वन वर्ल्ड लैंग्वेज बोलते. और एक एक पॉइंट है, प्रोटेक्ट पीपल एंड नेशंस विद फेयर लॉज एंड जस्ट कोर्ट्स. उसके बाद का भी पॉइंट है, लेट ऑल नेशंस रूल इंटरनली रिजॉल्विंग एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स इन अ वर्ल्ड कोर्ट. मतलब के थ्योरिस ये बोलते हैं कि वर्ल्ड कोर्ट में हर रेजोल्यूशन, हर जो डिस्प्यूट है वो रिजोल्व होना एक कोर्ट में. इंग्लिश में उसको बोला गया तो वन वर्ल्ड वन कोर्ट, वन कोर्ट पूरे दुनिया का एक ही कोर्ट. तो मगर एक चीज पूछ दो, चलो वन वर्ल्ड कोर्ट वी रिस्पेक्ट, बट इसका जज कौन रहेगा? वो लोग रहते हैं. उन्हें उठो बोले तो उठो, बैठो बोले तो बैठो. साइमन सेज गेट अप गेट अप. तो कोर्ट उनका, और आपको जैसा मालूम है करप्शन कोर्ट में अगर टॉप पे रहा तो आप नीचे वाले उनका कभी जस्टिफिकेशन मिलता नहीं, तो उनके हिसाब से चलता. और आप हर चीज में एक कॉमन ये देखेंगे. दूसरे पॉइंट से पेटी लॉज यूजर्स ऑफिशियल्स और है बैलेंस पर्सनल राइट्स प्राइस ट्रूथ ब्यूटी लव और बी नॉट अ कैंसर ऑन अर्थ लीव रूम फॉर नेचर. अब ये बेसिक पॉइंट्स है, मतलब प्यार मोहब्बत से रहना जो भी रहना, और लीव रूम फॉर नेचर मतलब के ज्यादा से ज्यादा जमीन एक्सपोज रहना और इंसान कम होना. अगर देखा गया तो पूरे पॉइंट्स में एक चीज कॉमन है और वो है सेंट्रलाइज पावर, सेंट्रलाइज यूनिट पूरे दुनिया के लिए. मतलब के वन वर्ल्ड, ये वन वर्ल्ड कोर्ट, वन वर्ल्ड लैंग्वेज, वन यूनिटी, वन पावर, डिपॉपुलेशन, कम से कम पब्लिक. और याद रखो कम लोग का मतलब ज्यादा गवर्नेंस और पावर उनके ऊपर. और आपको जैसा मालूम है इल्यूमिनाटी न्यू वर्ल्ड का एक ही ऑर्डर है और वो है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. हर चीज को एक बॉडी के अंदर रख दे. वो लोग चाहते कि एक ही प्रेसिडेंट पूरे दुनिया के लिए रहना, गवर्निंग बॉडी, एक ही करेंसी पूरे दुनिया के लिए रहना, मतलब एक चीज से पूरी दुनिया चलना. क्यों? क्योंकि सबका एक ही लीडर रहेगा और वो लोग बोलते हैं कि उनका आने वाला है एंटीक्राइस्ट. खास बात यह है गाइडस्टोन्स के पास एक और एक पत्थर लगा हुआ है, स्लैब जो है, जिसके ऊपर डिटेल दिया हुआ है कि यहाँ नीचे एक टाइम कैप्सूल बरीड करा हुआ है जिसको इस डेट पे खोलना चाहिए. टाइम कैप्सूल यूजुअली ये लोगों के मामलों में क्या रहता, कोई एक बॉक्स रहता या बुक रहती या कुछ रिटन फॉर्मेट रहता, और ये लोग बोलते कि एक टाइम पीरियड के बाद इसको खोल के इसके हिसाब से आप चलना या जो भी नेक्स्ट स्टेप लेना है. खास बात यह है कि डेट दिया हुआ ही नहीं इसमें, एग्जैक्ट वो पार्ट ब्लैंक है, वो कभी छपाया नहीं. वो रॉबर्ट सी क्रिस्टन जो था, हो सकता कि वो लोग वक्त आने पे एक छपाएंगे या उनको मालूम है डेट कब करना. तो गवर्नमेंट भी कभी परमिशन नहीं दी वहां पे खोद के चेक करने के लिए. एस्ट्रोनॉमिकल चीजें भी है गाइडस्टोन्स में, लाइट जो होल में से आती एग्जैक्ट कौन सा दिन है वो उस पे मार्किंग होता. तो कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से ये जो ग्रेनाइट स्लैब्स है इसके अंदर होल्स बनाए हुए. एक खास चीज जो बहुत थियरस ये चीज पे लेके पुकारते, ये जो बना गाइडस्टोन इट इज ऑन द 33rd पैरेलल ले लाइन. अरे बाप रे, फिर 33rd आ गया. हाँ, और आपको जैसा मालूम है 33 नंबर जो है वो 33rd डिग्री फ्री मेसन, हाईएस्ट डिग्री इन द फ्री मेसनरी ऑर्डर है. और इस पे बहुत जबरदस्त टॉपिक है हमारा, 33rd डिग्री एल्बर्ट पाइक द मोस्ट फेमस फ्री मेसन हु प्लांट द 3 वर्ल्ड वॉर्स. लिंक ऊपर है, चेक करो आप. 3 जो वर्ल्ड वॉर्स है, ये वर्ल्ड वॉर होने से 100 साल पहले इसके बारे में लिखा गया कि किस तरह से कैरी आउट करना है. 2 वर्ल्ड वॉर्स एग्जैक्टली उस तरह से, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये प्लान है, प्री प्लान इवेंट्स है. तो मेक श्योर टू चेक इट आउट, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वीडियो भी. 33rd पैरेलल ले लाइन क्या है, डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे, इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे बाद में. ये एक इनका मैग्नेटिक फील्ड के ले लाइन बोलते हैं, वर्ल्ड में ऐसे कई सारे लाइन है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ये लोग बोलते हैं कि अर्थ की बहुत ज्यादा है और इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है जमीन में से. और आपको मालूम होना चाहिए 33rd डिग्री ले लाइन मशहूर क्यों है, क्योंकि इस पे जॉर्जिया का स्टोन है, यूके का मशहूर स्टोनहेंज है जिसको रिचुअल्स के लिए माना जाता है जो मिस्ट्री है, और उसी के उस पे पिरामिड्स जो गीजा के है वो भी इसके ऊपर ही है. तो हर जो मिस्टीरियस जो सेटानिक वर्शिप के लिए यूज होता बोलते वो इसी एग्जैक्ट लाइन पे दुनिया की ये कोने से एक कोने तक. अब शैतानिक वर्शिप बोले जी, बट व्हाट अबाउट द कमांडमेंट्स, पीस लव हार्मोनी सही अफेक्शन. अरे वो उसूल यही है ना, पीस हमारे लिए तबाही तुम्हारे लिए. तो रॉबर्ट सी क्रिश्चियन असली नाम किसी को नहीं मालूम, कौन है भाई ये बंदा, आउट ऑफ नोवेयर आ गया, चेक पे चेक दे दिया. एक र्यूमर है रॉबर्ट सी क्रिश्चियन हैज बीन फंडेड बाय टेड टर्नर. टेड टर्नर कौन है?
ये टेड टर्नर जो शख्स है, ये यूएसए का अप्रोक्सीमेटली 60-65% ऑफ केबल नेटवर्क जो है ये ओन करता। अब इतना बिलियनर के ऊपर शक क्यों जा रहा? क्योंकि ये जो जो हाईएस्ट पीक है इसके नजदीक ही रहता। अच्छा, इसका वर्क प्लेस वही है पूरा ऑफिस? हाँ, वियर्ड लोकेशन के नजदीक रहो, उसके ऊपर शक जाना जरूरी नहीं है। हाँ, फिर मगर इसलिए शक जाता क्योंकि ये बहुत ही फेमस फ्रीमेसन है और इसके भी ऑफिस में ये यही व्यूज रखता था। ये जो कमांडमेंट्स के व्यूज है, कमांडमेंट्स है, ये यही व्यूज और यही टॉपिक के बारे में बात किया करता था, डिपॉपुलेशन, पब्लिक का वगैरह। अच्छा, तो सेम पॉइंट्स वही थे और सपोर्ट भी करा था इन्हें। ये सपोर्ट भी करा था, टेड टर्नर ये चीज को सपोर्ट भी करा था। अब ये चीज के बाद क्या हुआ, ये चीज थोड़ी फेमस होने लगी, पब्लिक आई, वो गाइडस्टोन्स पे स्प्रे करना शुरू कर दिया और स्प्रे करके ये बोल रहे थे कि डेथ टू रॉकफेलर, डेथ टू रॉथचाइल्ड, डेथ टू NWO, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये रॉथचाइल्ड, रॉकफेलर कौन, ये लोग अगर कौन है, हम इसके बारे में डेथ इन्फॉर्मेशन बताए थे हमारे एक वीडियो में, इकोनॉमिक कोलैप्स पार्ट टू, यहाँ पर ऊपर आएगा लिंक, मेक श्योर टू चेक दैट आउट एज वेल। ये वीडियो के बाद उसके अंदर हम पूरी इन्फॉर्मेशन दिए कि कौन रॉकफेलर है, रॉथचाइल्ड कौन है और ये लोग दुनिया पे कंट्रोल कैसा रहे। अब आप बोलेंगे गाइडस्टोन पे ये लिख के क्या बताना चाह रहे, ये दो भाई ये मेरा प्लान है, बोल दिया क्या मैं? वैसा नहीं है, कई ऑथर्स और थियरिस ये बोलते हैं कि जैसा आप देखते हैं इल्यूमिनाटी के जो हिडन साइंस रहते मूवीज में, कार्टून्स में रहता, तो ये क्यों ये लोग पहले का पहले बता रहे, क्या है भाई इसका मकसद क्या है, ये बता के क्या एक्सपोज कैसा कर ले सीक्रेट? सीक्रेट नहीं है, एक तरह से थियोरिस ये बोलते हैं कि ये लोग अपना पावर पहले का पहले आपको बताना चाह रहे कि हम इस चीज के काबिल है और हम करके रहेंगे। क्यों बोले तो एक एग्जाम्पल हम आपको देते, कई सारे हम वीडियोज बनाए जहाँ 9/11 का हादसा होने से पहले ही मूवीज और कार्टून्स में इसके बारे में बताया गया और बाद में 9/11 का हादसा हुआ। क्या आपको मालूम इसके बारे में? कई लोगों को मालूम ही नहीं है और आज मान भी रख के कुछ भी नहीं कर सके कोई भी। तो इनको अच्छी तरह मालूम है कि ये लोग आपके फेस पे भी बता रहे कि हम कर रहे, तो आप कुछ नहीं उखाड़ ले सकते। तो फिर मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, 7.5 बिलियन पब्लिक है, 7 बिलियन पब्लिक क्या करते होंगे लोग जो इनके हिसाब से 500 मिलियन को मेंटेन करेंगे? बोले डिपॉपुलेशन की तरफ है, कैसा होंगे WW3? अगर ये पूरे दुनिया में मर गए तो इनके लोग कैसा सेफ रहेंगे? और मेक श्योर आप चेक करिए, बहुत स्केरी और बहुत अजीब वीडियो है ये, इसमें हम लोग बताते हैं ऐसे और कितने हिस्से होंगे दुनिया में वो सोचो। अगर आप लोग इनके थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम हर टॉपिक पे एक वीडियो को क्यों लिंकअप कर रहे हैं, वो इसलिए करते क्योंकि आपको जनरल नॉलेज की जगह आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल सकता है, ऐसा कनेक्ट करे तो पूरे वीडियोस, क्योंकि हर वीडियो में इतना सारा टॉपिक हम लोग कवर नहीं कर सकते। तो आप लोग पूरा फॉलो करिए सीरीज, यू विल हैव एन आइडिया। अब आप लोग बोलते देखिए भाई इल्यूमिनाटी रहो, फ्रीमेसंस रहो, इनके प्लान्स ही क्यों सक्सेसफुल होते, क्या खुदा नहीं है या इनका खुदा सही है? ऐसी बात नहीं है, हमारे इस्लाम में दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ टेस्ट फॉर अस, हमारी टेस्टिंग चल रही कि आप अपने ईमान पे कितना रहते कितना नहीं रहते। सो कुछ भी नहीं, उनका भी शैतानी प्लान है वो, लेकिन एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह सच्चाई की जीत होगी और होके रहेंगी। अब हम आगे नेक्स्ट फिर एक वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे, Agenda 21, द डीपॉपुलेशन प्रोग्राम, ये किस तरह से लोग प्लान आउट करे हुए, क्या क्या लोग तैयारी करे हुए डीपॉपुलेट करने की, क्योंकि इतने सारों को वाइप आउट करना आसान नहीं है। अल्लाह वालम, अल्लाह नोज द बेस्ट, ये होता नहीं। डीपॉपुलेशन प्लस कंट्रोलिंग RFID चिप्स, जिसमें एक एरन रूसो बोल के एक आदमी था जो पूरा पोल खोला था ये रॉकफेलर के फैमिली का, कि वो लोग किस तरह से इसको आगे लेके जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। कई बार आप लोग कमेंट ये भी करते कि अरे भाई क्या ये प्लान साहब बता के हमारे को डरा रहे क्या, क्या हमारे को और डर में बिठा दे रहे? डरने की कोई चीज नहीं है, पॉलिटिकल मूवमेंट दुनिया के आप ये प्लान से समझ सकते कि हालात यहाँ खराब क्यों होते, क्योंकि आजकल मीडिया जो है पूरा बिका हुआ है, उनकी तरफ से जो उन्होंने पब्लिश करते वही सुनती पब्लिक। तो यू विल हैव एन आइडिया कि दुश्मन कितनी तैयारी कर रहा, इस वीडियो से आपको अंदाजा लगता। हमारा कोई डराने का मकसद नहीं है, डरना है तो सिर्फ ऊपर वाले, शायद अब वीडियोस विजिबल है, कल के दिन नहीं रहेंगे, नहीं रहता, यूट्यूब कंटिन्यूसली डिमोनेटाइज, कंटिन्यूसली हमारे प्रोपेगेंडा है, समझ रहे नहीं है, हर 4 में से कोई 2-3 वीडियोस हमारे डिमोनेटाइज होते जाते। एक ही तरीका है हमारे को इसमें हेल्प आप कर सकते हैं, वो है बाय शेयरिंग और वीडियो, क्योंकि विजिबिलिटी जीरो कर देता है यूट्यूब इसमें। सो वी होप कि आप हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हम लोग बहुत जल्द नए से नए वीडियोस के साथ आएंगे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे वर्क को सपोर्ट कीजिए। अगर आप नए हैं इस चैनल को, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, नीचे सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करो ताकि आप नोटिफाई हो जाए हमारे नए अपलोड से। और हमारा वीडियो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और तमाम आपके जितने भी
सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहां पर आप शेयर कीजिए. वील बी बैक विद अनदर वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड मसाला. चलो लाइन से इलेक्शन है सर पे, नया पीएम होगा, नए होंगे खर्चे, ओपोजिशन को भी मिलेंगे मौके, विदेश यात्रा और चाय पे चर्चे. चलो लाइन से इलेक्शन है सर पे, नया पीएम होगा, नए होंगे खर्चे, ओपोजिशन को भी मिलेंगे मौके, विदेश यात्रा और चाय पे चर्चे. ना जात ना पात करे मन.